जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ आईजीएस 20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय। दोस्तों ये कौन है अल्लूरी सीताराम राजू? अल्लूरी सीताराम राजू यह एक आदिवासी थे। ये कौन है, कौन सी शख्सियत है, आखिर क्यों हम इनको पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम आइए डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने एक टाइटल डाला है, यहाँ पर कौन है अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इनके जीवन काल के जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में हम सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ये न्यूज में क्यों रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अल्लूरी सीताराम राजू न्यूज में क्यों है। तो इसके बारे में देख लीजिए, हाल ही में 4 जुलाई 2022 को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई। क्या मनाई गई दोस्तों? 4 जुलाई 2022 को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई। और दोस्तों जो इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है वो आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जाकर के एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इनकी प्रतिमा का, किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जुलाई को? दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों ये नाम काफी इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि यह एक आदिवासी थे और आदिवासियों से संबंधित आंदोलनों में ये काफी ज्यादा सक्रिय थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसी कारण से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांस्य प्रतिमा का इनके अनावरण किया है 4 जुलाई को इनकी 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर। ठीक है दोस्तों, ये आखिर क्यों इस तरह से विभिन्न प्रकार के अनेकों जो आदिवासी नेता है, नेता नहीं बोलेंगे इनको, क्रांतिकारी बोलेंगे, जो आदिवासी क्रांतिकारी हैं इनको क्यों आखिर इतना महत्व दिया जा रहा है? तो देखिए आपको पता होगा दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव, आपको पता है कि आजाद देश आजाद होने के बाद 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है। लगभग 1 साल तक ये चलने वाला महोत्सव है। तो दोस्तों आजादी के अमृत महोत्सव में होता क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की शख्सियत रही हैं, खास करके ऐसे लोग जिनका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, जिनका लोग नाम भूल चुके हैं, ऐसे लोगों को याद किया जा रहा है, ऐसे लोगों को मान्यता दी जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अमृत महोत्सव के तहत ऐसी शख्सियतों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आखिर इनको भी पहचानो, इन्होंने भी देश को आजाद कराने में एक अहम रोल निभाया है। तो इस कारण से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। क्योंकि दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इस कारण से आंध्र प्रदेश में इसकी प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, आगे चलिए इनका और थोड़ा सा परिचय देखते हैं। दोस्तों इनका जन्म, अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 यानी कि 1897 में इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहां पर दोस्तों इनका जन्म हुआ? आंध्र प्रदेश में 1897 में इनका जन्म हुआ था। कहीं अगर आप किसी अन्य बुक्स में देखोगे, कहीं पर ढूंढोगे तो आपको 98 भी मिल सकता है, 1898, लेकिन यह सर्वमान्य तिथि है 1897 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। 18 वर्ष की जब इनकी उम्र थी तो यह एक सन्यासी बन गए, और सन्यासी बनकर के दोस्तों ये जंगल में गए, वहां पर इन्होंने बहुत कठिन तपस्याएं की विभिन्न प्रकार की। और इसके अलावा दोस्तों इनकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ज्यादा थी, ज्योतिष पढ़ना इनका बहुत ही फेवरेट काम था, दोस्तों ये ज्योतिष पढ़ते थे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सन्यासी जीवन में चिकित्सा का भी बहुत ज्यादा, विभिन्न प्रकार की औषधियों का ज्ञान कर लिया था। इस कारण से दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आदिवासियों में प्रसिद्ध हो चुके थे। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है समाज में, तब उसको लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो इस प्रकार से जब ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, तब दोस्तों इन्होंने गंजम, वो जो एरिया है वहां पर, गंजम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, ठीक है, गोदावरी का पहाड़ी एरिया, ठीक है, यहाँ के लोगों को दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध इनके इन लोगों में इन्होंने असंतोष को उजागर किया। इन लोगों का जो असंतोष था, असंतोष मतलब जो ये लोग एक एक प्रकार से ये लोग परेशान थे अंग्रेजों की नीतियों को लेकर के, तो अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या किया, इन लोगों का साथ दिया और इनके असंतोष को दोस्तों गुरिल्ला युद्ध में बदल दिया। और आप लोग जानते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है दोस्तों? यह एक प्रकार की छापे मार वाली युद्ध नीति होती है। इसमें छुटपुट विद्रोह किए जाते हैं, मतलब अचानक से सेनाएं जाती हैं और लोगों को मार करके फिर वापस जंगलों में, पहाड़ों में भाग जाती हैं। तो इस प्रकार से गुरिल्ला युद्ध जो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। आपको पता है छत्रपति शिवाजी जी के बारे में, वो भी एक प्रकार से गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ही उन्होंने अंग्रेजों को या फिर अन्य जो मराठा जो लोग थे उनको इन्होंने पराजित किया था छत्रपति शिवाजी ने। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति बहुत ही खतरनाक होती है,
तो इस प्रकार से इन्होंने लोगों को वहां पर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के रूप में उनका असंतोष उजागर करवाया। इसके बाद आखिर इनका क्या ऐसा रीजन था कि ये अंग्रेजों के खिलाफ थे? देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने उस टाइम पर 1920-1921 के आसपास में अंग्रेजों ने एक नीतियां बनाई थी कि जिसके अंतर्गत जंगलों का जो किया जा रहा था सफाया उसको बंद करवा रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे, जंगलों को काटना बंद करवा रहे थे नीतियों के तहत, क्योंकि वनों का संरक्षण अंग्रेज कर रहे थे। ठीक, तो इस प्रकार से जो अंग्रेजों की नीति थी इस प्रकार की जो जंगलों को बचाने की, तो इस कारण से अंग्रेजों ने स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। स्थानांतरित कृषि दोस्तों पेंडू बोला जाता है उनकी स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों, पेंडू। ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेंडू निम्नलिखित में से क्या है, तो यह आदिवासियों की एक स्थानांतरित कृषि का नाम है। ठीक है, तो इनकी इस व्यवस्था को, इन्होंने इस पद्धति को बंद करवा दिया था अंग्रेजों ने। इस कारण से वहां के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया था। और दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष था वह दोस्तों असंतोष 1922 में रंपा या मान्यम विद्रोह के रूप में सामने निकल करके आया। मतलब कौन सा इन्होंने विद्रोह चालू करवाया, रंपा विद्रोह से ये जुड़े थे। तो एग्जाम में दोस्तों आप यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से या किस विद्रोह से जुड़े थे? तो दोस्तों इनका हमेशा याद रखना, रंपा या मन्यम विद्रोह से ये व्यक्ति जुड़े थे। कौन से विद्रोह से, रंपा विद्रोह या फिर इसको मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जितने भी प्रकार के क्रांतिकारी नेता हैं उन पर प्रकाश जरूर डाला जा रहा है, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और हाल ही में तो प्रधानमंत्री ने इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इस कारण से भी इनका पूछा जा सकता है कि ये किस विद्रोह से जुड़े थे। तो दोस्तों ये रंपा या मन्यम विद्रोह से जुड़े थे। दोस्तों अल्लूरी की भूमिका इस विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सीताराम अल्लूरी थे इनके नेतृत्व में ही रंपा या मन्यम विद्रोह चालू हुआ था 1922 में। ठीक है दोस्तों, रंपा या मन्यम विद्रोह कब हुआ, 1922 में हुआ था। दोस्तों यह जो विद्रोह था रंपा विद्रोह, यह गांधी जी के जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी के साथ साथ में यह विद्रोह इन्होंने भी आदिवासियों को एकत्रित करके चालू किया अंग्रेजों का सफाया करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ यह स्टार्ट हो गया। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चालू किया था, असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी ने कहा था कि खादी वस्त्र का यूज करें, है ना, शराब को बंद कर दें, तो विभिन्न प्रकार की मतलब देसी चीजों को प्रमोट यहां पर किया गया था। तो इन्होंने भी वही बात बोली कि खादी के वस्त्र पहने लो। ठीक है, यानी कि खादी वस्त्र को प्रमोट किया और इसके अलावा शराब को बंद करवाया, यानी कि शराब को लोगों को बताया कि शराब की दुकानों को बंद करवाना है तथा शराब पीना आपको बंद करना है। तो इस तरह से ये लोगों को बताया। लेकिन दोस्तों एक अंतर इनके विद्रोह में ये था असहयोग आंदोलन के साथ में, अगर जोड़कर देखें इसको, असहयोग आंदोलन कहता था कि हमें अहिंसा का प्रयोग करना है, यानी कि अहिंसा के माध्यम से हमें जो कुछ भी हासिल करना है आजादी वो करेंगे अहिंसा के माध्यम से। लेकिन दोस्तों जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये हिंसा का समर्थन करते थे, ये हिंसा का समर्थन करते थे। इनका कहना था दोस्तों कि बिना बोले या बिना हिंसा की हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजों का सफाया अपने देश से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने हिंसा का समर्थन किया, तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों में ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों लोकप्रिय हो गए थे। और इस कारण से दोस्तों वहां के जो ग्रामीण थे, स्थानीय आदिवासी लोग थे, तो उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम है मन्यम बीरुडू। कौन सी उपाधि है, मन्यम बीरुडू। देखिए दोस्तों, मन्यम विद्रोह किया था तो इनकी उपाधि का नाम भी है मन्यम बीरुडू उपाधि। तो दोस्तों मन्यम बीरुडू की उपाधि निम्नलिखित में से किसको दी गई है, अल्लूरी सीताराम राजू को, आपको यह याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है, मन्यम बीरुडू का मतलब जंगल का नायक। तो दोस्तों जो अल्लूरी सीताराम राजू है इनको जंगल का नायक के नाम से जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों 1924 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इनको एक पेड़ से बांध करके इनको सार्वजनिक स्थान पर गोली मार दी थी, इस कारण से इनकी 1924 में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 1897 में इनका जन्म हुआ था और दोस्तों 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि कुल 27 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये एक ऐसी शख्सियत थे जिनके नाम मात्र से अंग्रेज थर थर कांपते थे, यह आप सोच सकते हैं। अब बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे, अल्लूरी सीताराम राजू को के बारे में। दोस्तों ये रंपा विद्रोह से जुड़े थे, इनके बारे में दोस्तों इतनी जानकारी आपको कम से कम होनी चाहिए। अगर आपका ये इतना कंप्लीट है कि ये किस विद्रोह से जुड़े थे या इनका जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है, या फिर इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये चीजें
ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी पूछा जा सकता है और हाल फिलहाल के एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है। तो कम से कम इतना इनके बारे में आपको तैयार करके रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।